सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्रेस्ट सर्जरीज में होता है लिम्फोडीमा, जिसमें क्या होता है हाथ में पूरे में सोजिश आ जाती है। उससे बचने के लिए और अगर आपको हो जाता है तो उसको रोकने के लिए सबसे आसान तरीका है हम हाथ की वर्जिश करें, जिसमें सबसे कॉमन होता है हम एक ऐसे थेरेप्यूटिक पुट्टी ले सकते हैं जिसको आप अपने हाथ में रखिए, उसको टाइट करेंगे, दबाएंगे, स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे। बाई चांस आपको ये थेरेप्यूटिक पुट्टी नहीं मिलती है तो आप एक स्माइली बॉल, सॉफ्ट बॉल या एक येलो कलर की स्पॉन्ज बॉल आती हैं, आप उनको अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप हाथ को स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज करने से जितना भी आपके हाथ में फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ पुश होता है। एक और तरीका है हैंड वेब यूज करने का। इसको पेशेंट को बोलेंगे, एक हाथ से हैंड वेब पकड़ेगा, दूसरे हाथ से अपनी सारी फिंगर्स उन छेदों में अंदर घुसा के अपनी तरफ टाइट करके मुट्ठी बनाने की कोशिश करेंगे। इससे भी हमारे हाथ की मांसपेशियों की वर्जिश होती है। इसको एक बारी में 10 से 15 बार करना है। यह अलग अलग कलर में आता है अलग अलग रेजिस्टेंस के साथ में, तो जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। अगला है हैंड ग्रिपर को यूज करने का तरीका। एक हाथ से हम हाथ को स्टेबलाइज करेंगे उसको, दूसरे हाथ से हम ग्रिपर को होल्ड करेंगे और इसको अपनी तरफ खींचेंगे। 5 सेकंड तक रोक के रखेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। शुरुआत में अगर लगता है कि आपके हाथ की मांसपेशियों की ताकत कमजोर है तो आप इन स्प्रिंग्स को बढ़ा और घटा भी सकते हैं ताकि आप उसके अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हाथ का इस्तेमाल कर सकें। लिम्फेडीमा अगर किसी पेशेंट को हो गया है तो उसके लिए हमारे पास हॉस्पिटल्स में एक मशीन होती है जिसको हम लिम्फा प्रेस के नाम से जानते हैं। लिम्फा प्रेस हम क्या करते हैं, इसमें एक स्लीव होती है जो हम पेशेंट की आर्म पे पूरा अटैच कर देते हैं और इसमें चैनल्स हैं जिसको हम मशीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और मशीन में काफ़ी मोड्स होते हैं। ये जब हम मशीन कनेक्ट करते हैं इसका काम है कि जो फ्लूइड हमारे हाथ में और फोरआर्म्स में एक्यूमुलेटेड है उसको ये कंधे की तरफ ऊपर की तरफ लेके जाती है और ये हमेशा हमें ऊपर की तरफ तकिए के सहारे से ही लगाना चाहिए ताकि वो फ्लूइड कंधे की तरफ